हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी कुछ शाम के 5:30 बज रहे फाइव से, ये देखो 5:30, आज 15 तारीख संडे शाम हो गई है। मेरे को मेरा वीडियो बनाना था, जो कि था मेरा पोस्टमार्टम, मतलब मेरा नहीं, मेरे एक वीडियो का पोस्टमार्टम करना था मेरे को, जो पिछले साल मैंने पहले सबसे पहला वीडियो डाला था उसके। बट मेरे को कल बनाना था, कल मुझे टाइम मिला नहीं, आज भी पूरा दिन टाइम मिला नहीं। बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को टाइम मिला नहीं, बट वो एक अंदर से होता है ना भाई, चल बना भी करके, वो आ ही नहीं रहा था। तो कल भी मैंने कुछ किया नहीं, ना व्लॉग किया, ना उसके ऊपर कुछ पोस्टमार्टम के लिए वीडियो बनाया। फाइनली अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड बिफोर आई स्टार्ट विथ दैट, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि यहाँ पे आई हैव पुट अ स्क्रीन शॉट दैट इज वॉच टाइम फ्रॉम माई सब्सक्राइबर। सो मेरे को दिख रहा है कि जो जितना भी, मतलब जितना भी 20 लोग देख रहे हैं, 20 लोग, 22 लोग, उसमें से 11 लोग वीडियो देखा है मेरा, सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, क्या क्या तकलीफ है सब्सक्राइब करने में। कर लो ना, 11 सा बटन होता है नीचे रेड कलर का, कर लो ना, आपका उसमें कुछ जाएगा और मेरा अच्छा हो जाएगा, आपको तो कुछ नहीं जाने वाला है। तो प्लीज़, अगर आप इस 11 में से एक हो एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, स्टार्ट विथ माई पोस्टमार्टम वाला वीडियो। सो जो सबसे पहला मेरा रिजोल्यूशन था वो सुन लो क्या था। दिख रहा है कितना फिट हुआ, ये जो मैं बंदे जैसे उछल रहा हूँ ना, ये मेरे को लगता है वही एक दिन था, उसके बाद से मैं कुछ किया ही नहीं पूरा टाइम। मतलब बीच में थोड़ा कुछ जोश आता था, एक दिन गया भी था जिम में, जाके डंबल्स वगैरह उठा लिया तो सब लॉक हो गया, उसके बाद से दोबारा गया भी नहीं, ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। तो फिटनेस तो वो सो दूर रह गई अपने से, तो ये रिजोल्यूशन तो पूरा 100% बेकार गया, पहले ही सबसे बेकार गया। सो अगला जो रिजोल्यूशन मैंने सेट किया था, सो जो फर्स्ट मेरे लिस्ट में, बकेट लिस्ट में नहीं, अगर रिजोल्यूशन में है, वो है क्रिएटिंग अ हैबिट ऑफ टॉकिंग। नहीं हुआ ये, मतलब मेरे खून में ही नहीं है, मतलब किसी से बात करना बेमतलब की होगी, मतलब नहीं होता मेरे से। यार मेरे को पता होगा उस टॉपिक के बारे में, देन आई कैन टॉक, बट अगर नहीं पता है तो मेरे से आवाज ही निकलती, क्योंकि वो एक अंदर से फियर आता है भाई, पता नहीं है फिर भी क्यों बोल रहा है। जो नेक्स्ट मेरा रिजोल्यूशन था वो The था, third thing that I want to focus on is improving my relations with friends. जब कॉलेज छूटा है, ये आई कैन से फ्यू थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हो गए और मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स हैं, कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी मानेंगे नहीं कि मैंने ये चीज़ इम्प्रूव की है, बट आई हैव ट्राई टू इम्प्रूव। उनसे ज़्यादा फ़ोन पे बात करना, मिलना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मतलब बाहर जाना वगैरह, ये सब तो मैंने ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है, पूरी तरह से नहीं कर पाया, बिकॉज़ आई हैव मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं थोड़े घर के जो संभालने पड़ते हैं, अदरवाइज़ पूरी तरह से होता था। एक जगह रह गई, मतलब जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे वहाँ पे नहीं हो पाया, सिर्फ एक बार एक दोस्त से मिला था जाके, एंड आई हैड हर्ड समथिंग वेरी बैड अबाउट इट, मतलब वहाँ पे जाके कुछ बहुत बुरा सुनने मिला था। तो नहीं, मतलब मुझे कुछ बुरा नहीं बोला, बट कुछ ऐसा था जो मेरे को बहुत हर्ट हो गया, दोबारा मैं वहाँ पे गया भी नहीं, और अब मतलब मेरी हिम्मत भी नहीं है जाने की। सो यार इसलिए बोल रहा हूँ कि यह वाला रिजोल्यूशन थोड़ा बहुत मैंने किया है। इसके बाद जो मेरा रिजोल्यूशन था वो काइंड ऑफ मतलब कॉस्टली हो सकता था मेरे लिए, बट आई ट्राइड टू मैनेज। पहले सुन लो क्या था। सो ट्रैवल था, मतलब अपने और सबके साथ था, मतलब अपने दोस्तों के साथ था, स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स, फिर फैमिली, और एक सोलो ट्रिप, तो जिसमें से फैमिली और सोलो ट्रिप तो हो ही नहीं पाया, ऑब्वियस रीज़न बजट नहीं था अपने पास। एंड पर से फैमिली और मतलब फ्रेंड्स के साथ हो गया, दो दो जगह जाके आया हूँ मैं, एक इस अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ गया था, एक्स कलीग हो गए, और एक हाँ सब एक्स कलीग ही थे। इधर गया था अपना, उसके ऊपर मेरा वीडियो भी बना था, हरिश्चंद्रगढ़ एक वो गया था। उसके बाद में अक्टूबर या नवंबर के आसपास कुछ माथेरान गया था स्कूल फ्रेंड्स के साथ, राकेश और सुधीर। सो वहाँ पे सोचा था थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊंगा, बट उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग से थोड़ा बहुत दूर था, तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया।
आई काइंड ऑफ सिर्फ एंजॉय किया वहाँ पर जाके. सो मतलब ये ऑलमोस्ट बोल सकते कि मैंने 60% इसमें भी थोड़ा बहुत अचीव किया. 60% हाँ मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि दो जगह जाके आया दोस्तों के साथ, बट नहीं 30 दो जगह दोस्तों के साथ गया ना, फैमिली और सोलिटिव तो रही है. तो 30% इसमें भी मैंने मतलब मेरा रिजोल्यूशन अचीव किया, बट उससे ज़्यादा नहीं. मेरा जो अगला रिजोल्यूशन था वो तो सबसे ज़्यादा टूटा, उसकी तो मतलब सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी पड़ी है. एक कुछ सुन लो क्या था वो. उससे मैंने क्या सोचा कि ये जो ईयर 2020 स्टार्ट हुआ है इसमें 52 वीक्स है, तो मैंने सोचा कि हर वीक में 2 व्लॉग्स तो मैं अपलोड करूँगा मेरे लिए, ताकि मैं कंसिस्टेंसी लाऊँ क्लासों को अपने चैनल पे वीडियोस की. टाइम की तो अभी भी नहीं बोल सकता कि कभी भी कंसिस्टेंसी छोड़ो, मेरा तो वीडियो नहीं जा रहा था पूरे साल में. मैंने सिर्फ अराउंड 20 वीडियोस डाले, कहाँ मैं सोचा था 102 वीडियो डालने का, वो सिर्फ 20 वीडियोस ही डाले. मतलब सबसे ज़्यादा इसी रिजोल्यूशन की मेरी बैंड बजी पड़ी, सबसे ज़्यादा इसकी धज्जियाँ उड़ी थी मेरी. सो ये साल नहीं बोलूँगा कुछ. मेरा जो रिजोल्यूशन है लिस्ट, सबसे लास्ट में मैंने रीडिंग को रखना है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए. सो एज स्टेटेड सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए, बट फिर भी आई कंप्लीटेड 3 books, 2 ऑन फाइनेंशियल हेल्प एंड 1 ऑन सेल्फ हेल्प. सेल्फ हेल्प वाली तो आपने खुद ने देख ली, उसमें मतलब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड था. एंड 2 फाइनेंशियल हेल्प के ऊपर थी साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड अदर वॉज रिच डैड एंड पुअर डैड. सो 3 books मैंने पढ़ा है, बट एज सेड पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बोला था 12 books पढ़ने के लिए, बट 3 ही books खत्म कर पाया. तो ये भी रिजोल्यूशन मेरा पूरा नहीं हुआ. एंड सो विद दिस मेरा पोस्टमार्टम, जो वीडियो का पोस्टमार्टम था वो हो चुका है. एंड बीइंग अ फ्रेशर इन रिजोल्यूशन थिंग में मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बट आई नो मोस्ट ऑफ द रिजोल्यूशंस नहीं कर मेरे पूरे तो एक भी नहीं हुए. आई वोंट से कि पूरे एक भी हुए, बट थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा किया है. एंड इसके अलावा और क्या, एक बंदा मतलब मेरे दोस्त सुधीर ने, हरामी ने बोला, सॉरी गाली नहीं देना, बट उसी ने बोला था कि बहुत और 10-12 ले ले, इतने बहुत काम है. तो तभी मुझे लगा था कि मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, बट ठीक है ये बार मैंने एक भी रिजोल्यूशन नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है अपने से नहीं होगा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. बट फिर भी आई विल ट्राई, जो मैंने पिछले साल के लिए थे वो ये साल कंप्लीट कर सकूँ, बट कंप्लीट कर सकूँ मतलब जो बाकी थे वो कंप्लीट कर सकूँ. एंड बाकी सब देखते अभी आगे, आप तो हो ही साथ में, चलता रहेगा धीरे धीरे. इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 o'clock संडे. जैसे कि मैं ब्लॉग के स्टार्ट में बोला था, 2 दिन पूरा टाइम पास किया, कुछ किया नहीं, तो अभी ये एडिट करने में मेरा दिमाग का दही होने वाला है. एंड और एक बात के लिए एक बोलना चाहूँगा, वो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगा कि मेरा आज भी मैंने ब्लंडर किया, बगैर ब्लंडर किया मेरे ये साल ख़त्म ही नहीं हो रहा. मतलब मेरे नहीं, बट टेक्नोलॉजी से मेरे को समझ में नहीं आता तो उधर ब्लंडर हो जाता है मेरे से. वो जो मैं है वो अगले ब्लॉग में बताऊँगा. फिलहाल ये ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ. अगर आप लोग ने मेरा ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो पता है लाइक किए बिना कहीं मत जाना. एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाओ. एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन बाय बाय.